नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रवाद में। मैं हूं आपके साथ आनंद त्यागी। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप के मैच में टीम इंडिया हार गई। ठीक है, पाकिस्तान की टीम ने बेहतर खेल दिखाया, वो जीत गई। टीम इंडिया से कहां चूक हुई, वो टीम को मंथन करने की जरूरत है। लेकिन भारत में रहकर भारत की हार पर जश्न मनाने वालों की टोली टीम इंडिया की हार पर खुश दिखाई पड़ रही है। सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के ट्वीट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की जीत का कई जगहों पर ऐसे जश्न मनाया गया जैसे दिवाली हो। वो तस्वीरें कुछ आपको दिखाते हैं। ये कुछ वीडियोज हैं, ये तस्वीरें हैं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। इस तस्वीर को दिल्ली के सीमापुरी इलाके की बताया जा रहा है। पाकिस्तान की जीत में जश्न मनाया गया, पटाखे जलाए गए। हालांकि हम ये साफ कर देते हैं कि टाइम्स ऑफ भारत ऐसे किसी भी वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील शशांक शेखर झा के ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया गया और वही तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली के सीमापुरी इलाके की यह तस्वीर है जहां पाकिस्तान की जीत के बाद जश्न मनाया गया, पटाखे फोड़े गए। इसके अलावा कुछ और वीडियोस भी सामने। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की मीडिया इंचार्ज अजय सहरावत ने एक वीडियो ट्वीट किया, वो वीडियो आपको फिर दिखा रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे जलाए जा रहे हैं। हालांकि टाइम्स नाउ भारत ऐसे किसी भी वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जो अलग अलग ट्विटर हैंडल से जो तस्वीरें ट्वीट की गई, जो वीडियो ट्वीट की गई हैं, वो वीडियोज आपको दिखा रहे हैं। ये ट्वीट किया गया अजय सहरावत की तरफ से। इस वीडियो में लिखा है कि ये वीडियो कश्मीर के SKIMS कॉलेज के छात्र कश्मीर में MBBS कर रहे हैं। छात्र पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तान की जीत के नारे वहां लगाए जा रहे हैं। अब जरा कुछ ट्वीट्स आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखाई, अब ट्वीट क्या क्या किए जा रहे हैं वो ट्वीट्स भी आपको दिखाते हैं कि टीम इंडिया की हार को मोदी सरकार से कैसे जोड़ा जा रहा है और कौन सी पार्टी के लोग हैं ऐसा करने वाले लोग, कौन कौन लोग हैं। ये राधिका खेरा का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तान की जीत पर कई ट्वीट किए गए, इन ट्वीट्स को आप देखिए। राधिका खेरा का ट्वीट ये है, वो कहते हैं, क्यों भक्तों आ गया स्वाद, करवाली बेइज्जती। उसके बाद तीन क्वेश्चन मार्क लगा दिए जाते हैं। राधिका खेरा मीडिया इंचार्ज हैं कांग्रेस पार्टी की। एक और ट्वीट किया गया, कि पाकिस्तान प्रेम तो बीजेपी की यानी भाजपा की रगों में बहता है, मोटा भाई हो या उनके नानो भाई हो। उसके अब आगे स्माइल लगाई जाती है, फिर कहा जाता है कि बेगानी शादी में बिरयानी खाना हो या इसके अलावा ISI को गुरदासपुर बेस में बुला करके जायजा करवा के वाह वाही लेने तक, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। राधिका खेरा आगे लिखती है कि मोदी जी के हर साल भेजे लव लेटर कौन भूल सकता है। यह ट्वीट किया जा रहा है राधिका खेरा की तरफ से। आगे लिखती है, खैर एक के बदले 10 सर का इंतजार 7 साल से। अभी कॉन्टेक्स्ट आप समझिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये ट्वीट तब किए जा रहे हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच था और भारत की उस पर हार हुई तो सीधे बीजेपी को निशाने पर लिया गया। अगला नंबर आता है टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का। वो लिखती हैं कि जब हम जीतते हैं तो वो इंडियन है और जब हम हारते हैं तो वो मुस्लिम है, भक्त लॉजिक। ये ट्वीट किया गया महुआ मोइत्रा की तरफ से। यानी एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से सीधा पाकिस्तान प्रेम से जोड़ दिया गया, केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध दिया गया, तो टीएमसी की तरफ से इस जीत हार को हिंदू मुस्लिम के पैमाने पर तोल दिया गया, हिंदू मुस्लिम की तरफ इसको ढकेल दिया गया। अब एक और ट्वीट दिखाते हैं आपको, वो ट्वीट है अभिषेक मनु सिंघवी का, जो कि नेता है कांग्रेस से। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि मैं वास्तव में आशा करता हूं कि ये मौका विज्ञापन नफरत को समाप्त कर देगा। शाबाश बाबर, शाबाश शाहीन रिजवान, आपके लड़कों ने अच्छा खेला, भारत को फोकस नहीं खोना चाहिए, टूर्नामेंट जीतना है। ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ट्वीट किया गया। लेकिन इसी का तोड़ करते हुए, इसी के जवाब में बीजेपी की तरफ से कई ट्वीट किए गए और जो पूर्व क्रिकेटर हैं उनकी तरफ से ट्वीट किए गए। दो पूर्व क्रिकेटर जिनके नाम और उनके किए गए काम आप बखूबी जानते होंगे, गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। गौतम गंभीर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़ने वाले भारतीय नहीं हो सकते, हम अपनी टीम के साथ खड़े। ये गौतम गंभीर का ट्वीट है, #हैशटैग शर्मनाक करते हुए। फिर वीरेंद्र सहवाग लिखते हैं कि दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध है, लेकिन कल भारत के कुछ हिस्सों में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए पटाखे थे। अच्छा, वो क्रिकेट की जीत का जश्न मना रहे होंगे तो दिवाली पर पटाखों में क्या हर्ज है,
पाखंड क्यों, सारा ज्ञान तभी याद क्यों आता है। ये तमाम प्रतिक्रियाएं हैं जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। हमारा सवाल सिर्फ ये है, हम सिर्फ ये छोटा सा सवाल करना चाहते हैं जो कि जिसका कि इंपैक्ट बड़ा है कि आखिरकार एक खेल की हार जीत में राजनीति कहां से घुस जाती है। सवाल यह भी कि भारत की हार पर यह पटाखे जलाने वाले लोग कौन, सवाल यह भी कि पाकिस्तान की जीत होती है तो लोग कौन लोग हैं जो उसका जश्न मना रहे हैं, सवाल यह भी कि कौन लोग हैं जो कि टीम इंडिया की हार पर पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, सवाल यह भी कि खेल में हार जीत पर राजनीति क्यों की जा रही है, पाकिस्तान से तैयारी की जा रही है और देश से गद्दारी की जा रही है। इन तमाम सवालों का राष्ट्रवाद में आज जवाब तलाशेंगे जो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ कराते हैं। नूपुर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अजय अरोड़ा हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस से। और तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले बख्शी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि हमेशा भारत में क्यों होता है, पाकिस्तान जीतता है भारत पटाखे फूटते हैं और ये कब तक होता रहेगा? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये मनहूस मैच खेला ही नहीं जाना चाहिए था। क्या वजह थी? इतने हमारे सिविलियन मारे गए, हमारे फौजी भाई वहां शहीद हो गए जम्मू कश्मीर में लड़ते लड़ते, और आपको यही वक्त मिला मैच खेलने का? हम तो तब से कह रहे थे कि ये मैच खेला ही नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, ऊपर से वो हार हुई है। अब अजीब बात है कि हमारे ही देश में हमारी हार को जश्न मनाया जाता है। ये तो खैर अब मैं इस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगा, इससे घृणात्मक कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। लेकिन बात यह है कि आपने ये मैच खेला क्यों, नंबर एक। नंबर दो, पाकिस्तान से सीज फायर क्यों? जी, फरवरी माह में ये सीज फायर किया गया और अफगानिस्तान में पूरा फायदा उठाया पाकिस्तान ने इसका, तालिबान को वहां राज्य दिलाने के लिए, वहां पे फतह करने के लिए। अब वो हमारे पे चढ़ आए हैं, रोज इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, रोज हथियार आ रहे हैं, रोज वहां से वो क्या कहते हैं पिस्टल और ग्रेनेड भेजने की कोशिश की जा रही है, जिससे बेचारे टारगेटेड किलिंग्स हो रही है हमारे। कभी कोई बेचारी सिख प्रिंसिपल मार डाली जाती है, कभी कोई हिंदू टीचर मारा जाता है, कभी बेचारे बिहार के लेबर, गरीब लेबर मारे जाते हैं। और लगता है कि एक हम दिखाना चाहते हैं कि हमको इनकी मौत की कोई परवाह नहीं। सर, मेरा सवाल इसी बीच में बख्शी साहब ये भी है कि जो इन्फिल्ट्रेशन की आपने बात की, जिस आतंकवाद की आपने बात की बख्शी साहब, उससे तो जवान बॉर्डर पर निपट लेंगे, लेकिन जो भारत के अंदर लोग रह रहे हैं, पाकिस्तानी परस्ती दिखा रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा? अरे साहब, आप पाकिस्तानी परस्ती नहीं दिखाई आपने मैच खेल के, सीज फायर को वापस ना लेके क्यों? ये लव फेस्ट क्यों विद पाकिस्तान जब हमारे लोग मारे जा रहे हैं? जी, मेरा तो सीधा सवाल ये है। जी ठीक है सर, मैं चाहूंगा कि नूपुर शर्मा इस बात का जवाब दें। नूपुर, जो बख्शी साहब ने सवाल किए उनका जवाब भी, और साथ ही साथ ये भी कि इस मामले पर अब राजनीति भी हावी होती जा रही है। नूपुर शर्मा, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी बताएं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि कोई मैच खेला जा रहा है कि नहीं, ये आईसीसी के वर्ल्ड T20 टूर्नामेंट में कौन कैसे खेल रहा है, क्या खेल रहा है, इस चीज की जवाबदेही एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के नाते सरकार में जो आज सर्विस कर रही है, मेरे पास इसमें मैंडेट नहीं है, ना मेरी अथॉरिटी है कि मैं बीसीसीआई की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ। तो कृपया करके आईसीसी और बीसीसीआई से इस सवाल का जवाब लिया जाए कि ये आईसीसी T20 वर्ल्ड टूर्नामेंट हो क्यों रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, चाहे वो पूंछ हो, बंदीपुर हो, जहां पे भी आप, ये गलत बात हो जाएगा कहना कि हमारे सिविलियंस ज्यादा जा रहे हैं। भली भांति जानते हैं, ये हमारे फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट में हमारे गृह मंत्रालय की तरफ से जवाबदेही आ चुकी है कि 60% से अधिक आतंकवादी गतिविधियों में गिरावट आई है जब से अगस्त 2019 के अंदर ये बाइफर्केशन बिल्स पारित हुए हैं और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है।
जब से इनको यूटी डिक्लेयर किया गया है और ये भली भांति जानते हैं कि जब से एब्रोगेशन ऑफ 370-35A हुई है ज्यादा इंक्लूजन हुआ है, ज्यादा इक्वल अपॉर्चुनिटीज आई हैं, डेवलपमेंट या विकास के गति बढ़ी है वैली के अंदर, और साथ ही साथ में आतंकवादी गतिविधियां, इन्फिल्ट्रेशन और इन तमाम हरकतों के अंदर भारी मत के अंदर गिरावट आई है। हमने सब हमारे एमओएस होम ने इस साल में दो बार अपना जवाब देते हुए ये पार्लियामेंट में ये बात साफ कर दी है। अब रही बात आपके सवाल की जिसके ऊपर आज हम डिबेट कर रहे हैं जी, तासी बात ये है कि आपने सिर्फ राधिका खेड़ा जी का बताया, फेसबुक पे अगर आप राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की रागिनी नायक बसोया जी का अगर आप स्टेटस अपडेट देख लेंगे तो जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री को घसीटने की कोशिश कही है भारत पाकिस्तान के इस मैच के अंदर, जो कि एक लीग मैच है, ना ये कोई क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल ना ये कोई फाइनल मैच है, और भली बात ही जानते हैं कि जब भी भारत पाकिस्तान के मैच होते हैं खासकर कि वर्ल्ड कप की श्रेणी के अंदर तो 12 मैचेस में से भारत ही जीतता है। अगर आप खेल विभाग के अंदर राजनीति घसीटने की कोशिश करेंगे आप दो तीन चीज कर रहे हैं। सबसे पहला तो आप अपनी आपकी मोदी हेट्रेड, आपकी जो नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो आपकी नफरत है वो कैसे कैसे पाकिस्तान प्रेम और पाकिस्तान परस्त हो जाती है आपको खुद समझ नहीं आता। ये पहला ऐसा एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे तमाम इंसिडेंट है। सबसे इनफेमस तो है मणिशंकर रेड्डी, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्या मोदी फोबिया इतना बढ़ गया है क्या कि कुछ भी देश में होता है तो सीधा आप एक ही तरफ हमला करना शुरू कर देंगे? बताइए अजय अरोड़ा, बताइए जरा कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में मैच अगर होता है उसमें जीत हार चाहे जिसकी हो, मुझे बताइए जरा कि इसमें केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर क्यों हो जाती कांग्रेस? आनंद जी, मैच मैच होता है, मैच में घृणा का कोई स्थान नहीं है और मैच में सियासत नहीं होनी चाहिए और जिस ना हिंदू मुस्लिम होना चाहिए। और जहां तक आपने कांग्रेस की बात की, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने बात रखी कांग्रेस की बात की, मैं कहता हूं कि कांग्रेस देश के साथ है, देश सर्वोपरि है। क्रिकेट को हम गेम की तरह देखते हैं ना कि सियासत की तरह, हमने गेम की तरह। सर आप जो कह रहे हो कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है दोनों चीजें अलग अलग हैं। अनंत जी जिन्होंने रागिनी नायक का जिक्र अभी नुपुर ने किया, राधिका खेड़ा के ट्वीट हम लोग लगातार दिखा रहे हैं, दोनों चीजें एकदम अलग है सर जो आप कह रहे हैं उससे। अनंत जी किसने क्या ट्वीट किया मैं उसका उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना जुड़ कहूंगा हमारे शीर्ष नेतृत्व क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का ट्वीट आया? अगर उनका कोई ट्वीट था तो हम बात। अच्छा राधिका खेड़ा बताइए कौन है? कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर है ना सर? बिल्कुल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, मीडिया कोऑर्डिनेटर है ना? बिल्कुल बिल्कुल, उसका जवाब वही देंगे। लेकिन यानी पार्टी की कोई जवाब दे ही नहीं उस मामले में, पार्टी का कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर रहा है कोई जवाब दे नहीं होगी क्या? लेकिन तहसीमपुरा वाला बताइए जरा कि सर ये फिर क्या क्रोनोलॉजी है, ये क्रोनोलॉजी क्या है पूरी कि पार्टी का कोई भी प्रवक्ता, पार्टी का कोई भी नेता कुछ भी कह रहा है पार्टी प्रवक्ता पल्ला झाड़ लेते हैं उससे? क्या हमें नहीं पता इंडिविजुअल स्टैंड है उनका? राहुल जी, अनंत जी मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास, मेरा सवाल तहसीम पुरा वाला से है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया क्या? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया? हाँ मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास। तहसीन, उन्होंने कोई खिलाफत नहीं की मोदी जी की, उन्होंने कोई खिलाफत की गृह मंत्री की, उन्होंने किसी पार्टी खिलाफत नहीं। ठीक है अजय जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास, तहसीन पुरा वाला बताइए जरा। मैं आपके शो पे हूँ, इस डिबेट में हिस्सा लेने का शिरकत करने का मौका मिला, शुक्रिया। दो चीज कहूंगा, आप ही के अनुसार जो वीडियोस आपने दिखाया है इसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। मैं आपसे एक काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर वहां पर सेलिब्रेशन हो रहा था दिल्ली में, दिल्ली पुलिस के इसके नीचे अमित शाह जी के नीचे एक्शन क्यों नहीं ली? ये भी हो सकता है सर, क्योंकि आप इस वीडियो की जिम्मेदारी नहीं ले रहे और सही है आप देश के नंबर वन न्यूज चैनल हो, तो ये भी हो सकता है कि कल करवा चौथ था वहां पर अक्सर फटाकड़े फोड़े जाते, लेकिन अगर इस तरह की सेलिब्रेशन हुए जो गलत है पाकिस्तान की जीत को लेकर तो अमित शाह जी फेल क्यों हुए? और अमित शाह जी के फेलियर से मैं संक्षेप में अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान की तारीफ करे, अगर पाकिस्तान भारत को हराता है उस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति आईएसआई को भारत के अंदर लाता है, जो व्यक्ति शूटिंग करता है जब पठानकोट होता है, जो व्यक्ति शूटिंग करता है जब पुलवामा होता है, उस पर क्या एक्शन लेना चाहिए? जब अडवाणी जी जाकर पाकिस्तान में सजदा देते जिन्ना के सामने और सजदा देते हुए कहते हैं जिन्ना से बड़ा सुंदर व्यक्ति कोई नहीं है, क्या उस पार्टी पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं? जी के बात करते तो उनके लिए बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, मेरी बात समाप्त होने दीजिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ओसामा जी दो लोगों ने कहा, दिग्विजय सिंह जी उन पर एक्शन होना चाहिए और दूसरे रविशंकर प्रसाद जी, बोलिए आप उन पर एक्शन होने चाहिए कि नहीं? रविशंकर प्रसाद जी का फुटेज निकालिए, बताइए जरा
कि वीडियो को चलिए हमें कह सकते हैं कि वीडियो किसी और ने ट्वीट किया, तहसीन मानने के लिए इनकार कर रहे कि भाई वो सही है नहीं है, वो कह रहे हैं कि हो सकता है करवा चौथ का सेलिब्रेशन हो। राधिका खेरा का ट्वीट, ये तो कांग्रेस का ऑफिशियल है जी। आनंद जी, पहले तो मैं बता दूं कि मोदी विरोध में देश विरोध पर उतर आना ये कांग्रेस की फितरत और चरित्र बन चुका है और ये पहला कोई अवसर नहीं है। और क्रोनोलॉजी समझिए, वहां पर शेख राशिद कहता है कि ये इस्लाम की जीत हुई और यहां पर कांग्रेस पार्टी जश्न मनाती है और कुछ लोग दिल्ली में जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी कुछ काम कर लेते हैं वहां पर पटाखे फूटते हैं। बहरहाल ये क्रोनोलॉजी समझने की है, परंतु ये पहला मौका नहीं है। जब पुलवामा हुआ तो पुलवामा पर भारत पर दोष लगाने का काम किसने किया? रणदीप सुरजेवाला, अधीर रंजन चौधरी ने। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो सेना पर सवाल उठाकर फर्जिकल स्ट्राइक और खून की दलाली कहने का काम राहुल गांधी और संजय निरुपम ने किया। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तो दिल में बसाकर सिद्धू को जिसने रखा है उन्होंने कहा कि चील कौवे मरे होंगे। तो ये बार बार पाकिस्तान के साथ स्वर में स्वर मिलाना ये उनकी पुरानी फितरत है। पर मैं दो तीन सवाल पूछना चाहता हूं। आज भारत की हार हुई तो उसको मोदी की हार या भक्तों की हार ना, मतलब भारत का प्रतिबिंब केवल मोदी में दिखता है, ऐसा तर्क आपने ऐसा अपनाया है कि आपने सेल्फ गोल कर दिया है जिसे हिट विकेट भी कहा जा सकता है। मतलब सोचिए, राधिका खेड़ा जो तहसीन पुनावाला की बहुत अच्छी दोस्त है, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता है, जो यहां पर बैठे अघोषित प्रवक्ता है, उनसे ज्यादा घोषित और उनको स्वीकृति है, उन्होंने कहा भक्तों स्वाद आ गया आपको। मतलब कि सुनिए, भारत की जीत केवल भक्तों की जीत हो सकती है। मतलब वो किस देश से लगाव रखती हैं? मुझे पता है उनकी राम संस्कृति में उनकी विश्वास नहीं है, पर मुझे ये नहीं पता था कि रोम संस्कृति को इतना सीरियसली ले लेते हैं। तहसीन पुनावाला कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं राधिका पर टिप्पणी नहीं कहूंगा। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ मेरे देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूँ। प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि आज सब क्यों नहीं करेंगे? मैं चीजों को वापस ट्रैक पर लेकर आता हूँ। राधिका खेड़ा का जो तहसीन पुनावाला ट्वीट था ना, उसके बाद ही विवाद शुरू हुआ है। उसके बाद ही विवाद शुरू हुआ कि जब एक दो देशों के क्रिकेट मैच था, इसमें पहली बात तो राजनीति कैसे घुस गई और फिर आप सीधे केंद्र सरकार पर हमला करते हैं। यानी फिर अगर आप ये मानकर चलते हैं कि भाई इस हार में केंद्र सरकार का श्रेय जाता है, तो ओलंपिक जो मेडल जीते उसका श्रेय भी दे दीजिए। फिर कह दीजिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री थे इसलिए ओलंपिक में जीत हासिल कर दी। बैलेंस तो करेंगे ना सर कहीं? मैं नहीं मानता हूं कि ओलंपिक्स में मोदी जी को श्रेय देना चाहिए या इस हार में मोदी जी को दोष देना चाहिए। इसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं सोचता हूं पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को अलग रखना चाहिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आज कश्मीर में जब हिंदुओं का कत्ल हो रहा है, ठीक उसी तरह जब 1990 में वीपी सिंह की सरकार थी और अडवाणी जी सरकार का हिस्सा थे और कश्मीरों को हिंदुओं को बाहर निकलना पड़ा कश्मीर से। मैं पूछ रहा हूं बार बार जब बीजेपी केंद्र में रहती है क्यों हिंदुओं का कत्ल होता है, क्यों पाकिस्तान का आतंकवाद बढ़ता है, क्यों पार्लियामेंट पे अटैक होता है, क्यों टेररिस्ट को बिजनेस क्लास भेजा जाता है, क्यों अडवाणी जी जाकर वापस सजदा देते हो कहते हैं जिन्ना सेक्यूलर है, क्यों मोदी जी आईएसआई को भारत में बुलाते हैं? ये मेरे लिए ज्यादा प्रश्न, बड़े प्रश्न है। छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आप तहसीन के ऊपर प्रतिक्रिया दें कि इन तमाम चीजों में फिर वही बातें आ जाती हैं। सवाल सीधा ये पूछते हैं कि भाई खेल के बीच में राजनीति क्यों और तहसीन वही रेल आगे ले जा रहे हैं? ये सवाल मेरे लिए, देखिए मैं आपको कुछ कहना चाहूंगी। सबसे पहले इन्होंने ये कहा, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं, कि कहां आया ट्वीट। देखिए ट्वीट तो खैर राहुल गांधी का इससे भी नहीं आया था कि 100 करोड़ टीके लग गए हैं। तो मान ही लेते हैं बहस कर रहे हैं कि कांग्रेस का और कांग्रेस की जितनी भी राजनीतिक सोच और विचारधारा है वो देश के बिल्कुल खिलाफ है। मतलब कि प्रलय आ जाए, लोग मर जाए, उसमें कांग्रेस अपनी राजनीति चमकाने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है। टूल किट वाली कांग्रेस है आखिरकार, वो पॉर्न स्टार पॉप स्टार से अपनी विचारधारा को लोन लेके ये सब बकवास करते हैं। तो हाँ, ट्वीट नहीं आया राहुल गांधी का, मतलब वो खुश नहीं है इस बात से कि 100 करोड़ से अधिक टीके लग गए। दूसरी बात, अभी तहसीन ने कहा कि ये जो पटाखे बज रहे हैं इनको जेनुइन जी, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमति रखती हूँ। बकायदा अगर ये जो पटाखे बज रहे हैं ये पाकिस्तान की जीत पे सीलमपुरी में लगे, ये दिस इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जरूर लोगों को जेल होनी चाहिए। तो फिर तहसीन मतलब ये भी कह रहे हैं और मान रहे हैं कि फरवरी 2016 के अंदर जब जेएनयू में राहुल गांधी गए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लगाने वालों के समर्थन में खड़े हुए थे, जहां पे बकायदा पर्चा बटा था कि जिसमें एक आतंकवादी को सजाए मौत सुनाई जाती है, दैट इज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट इज अ जुडिशियल किलर। मतलब हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय को एक खूनी करार देने वाले एक कार्यक्रम के समर्थन में
भाषण दिया उन्होंने वहाँ पे, तो उनको भी जेल होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मैं मान के बैठी हूँ कि आज आज तहसीन कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भी जेल होनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो पाकिस्तान, हालांकि कॉन्टेक्स्ट काफी पुराना है, आपने काफी पुराना कॉन्टेक्स्ट का जिक्र किया, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में तो जवाब भी तय होनी चाहिए ना। तहसीन ने जो मुद्दे उठाए शहजाद पूनावाला, उसी के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं नूपुर, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूँ। शहजाद देखिए, आज मैं तहसीन के तर्क से बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा कि पटाखे अगर दिल्ली में फूटे हैं तो गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार है। चलिए आपको कंसीड करते हैं। तो अब तहसीन पूनावाला छाती ठोक कर कहे कि महात्मा गांधी को जब गोडसे ने गोली मारी तब नेहरू जी की सरकार थी, नेहरू जी जिम्मेदार है। दोनों तर्क सेम होने चाहिए ना। तो अब चलिए मानिए नेहरू जी जिम्मेदार थे महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या के लिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ तहसीन पूनावाला से, आप पहले ये बताइए कि आपने एक सेकेंड, अरे भाई रुक जाइए, मुझे पता है आपकी उत्सुकता है। करवा चौथ में आप पटाखे बजा रहे थे सीमापुरी इलाके में, आप रुक जाइए, सुन लीजिए पूरा तर्क। मेरा सवाल आपसे यह है तहसीन पूनावाला कि आप ही के पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम, इन्होंने कहा हिंदू टेरर। आपको हिंदुओं की बड़ी चिंता पड़ी है, चुनाव आ रहे हैं, आपको जम्मू कश्मीर से लेकर बाकी जगहों की पड़ी है। एक बार बोल दीजिए कि कांग्रेस पार्टी इसे इस्लामिक टेरर कह दे, जिसे चुन चुन कर वहाँ पर हिंदुओं को, सिखों को मारा जा रहा है कश्मीर में। देखिए अरोड़ा जी से तो रहा, कहने से रहा। आपसे मैं आग्रह करता हूँ, क्योंकि आपके पारिवारिक रिश्ते भी हैं, कब कहेंगे चिदंबरम इसको इस्लामिक टेरर? और इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है, और इसीलिए ये पाकिस्तान के लिए चीयर कर रहे हैं क्योंकि वोट बैंक की राजनीति है। तहसीन बोलने वाला, तीन चीज संक्षेप में कह दूंगा। नुपुर जी ने पहला 2016 का जिक्र किया जेएनयू का, यही तो राहुल गांधी और सब लोग कह रहे हैं, और आज तक हम भी कह रहे हैं, टाइम्स नाउ भी कह रहा है कि जिन लोगों ने वो नारे लगाए उनको आज तक आपने प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया। 2016 में भी मोदी जी प्रधानमंत्री थे, आज भी मोदी जी प्रधानमंत्री, यही तो मैं बता रहा हूँ, बार बार मोदी जी फेल होते। शहजाद के तर्क से मैं बिल्कुल, महात्मा गांधी मेरे बापू को मारने वाले, प्लीज प्लीज, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, आम आदमी पार्टी की सरकार ने सैंक्शन दिया है, प्लीज मेरी बात समाप्त तो नहीं, झूठ मत बोलो। पहले तो केवल नारों का नहीं है, प्रोग्राम करना, प्लीज मेरी प्रोग्राम करना, अफजल गुरु की बरसी पर प्रोग्राम करना भी देशद्रोह है। और दूसरी बात, इस मामले में ट्रायल चल रहा है, बिल्कुल इस मामले में ट्रायल चल रहा है। तहसीन झूठ बोलना बंद करो, कम से कम महात्मा गांधी का नाम लेकर बात समाप्त कर रास्ते पर चला करो। मैं अपनी बात समाप्त कर दूं, मैं आ रहा हूँ अजय जी आपकी बात, तहसीन अपनी बात करके बात समाप्त कर, वापस आपके पास आ रहा हूँ। तहसीन जी भूलिएगा मत, जिन कोर्ट पे आप उंगली उठा रहे हो ना, आपके पाकिस्तान परस्त राहुल गांधी ने एक बार देश के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय से कर दी थी, ये कहते हुए कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की हालत तो पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालय से भी बदतर है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, आपको ध्यान भी होना चाहिए कि वही राहुल गांधी है जिनको सर्वोच्च न्यायालय ने कॉन्टेम्प्ट पिटीशन में भी खिंचाई कर दी थी अच्छी खासी 2019 में। मुझे पता है भारतीय कानून से आपको लगाव नहीं, मुझे पता है भारतीय लोगों से आपको लगाव नहीं, तभी तो मनीष शंकर अय्यर नोटा लेके मैं वापस आ रहा हूं। तहसीन अपनी बात संक्षेप में कंप्लीट कर ले, तहसीन बात कर दो, देश के कानून के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है, आपकी भी खिंचाई हुई है, जानते हैं सर्वोच्च कोर्ट में सबको जी, तहसीन तहसीन मामला चल रहा है कोर्ट में, क्या बोल रहे हैं आप कि प्रोसिक्यूशन, कोर्ट में सबको विश्वास है, ठीक उसी नहीं तो आपने कैसे कह दिया प्रोसिक्यूशन नहीं हो रहा, दिस इज कंटेंट ऑफ कोर्ट, मामला कोर्ट में चल रहा है ट्रायल पे, नो यू कैन नॉट स्पीक बिकॉज़ यू आर फैक्चुअली इनकरेक्ट। उनको जवाब देने का मौका दीजिए ना, एक बार तहसीन अपना जवाब पूरा कर ले कम से कम, मैं लौट रहा हूं। दिस इज कंटेंट ऑफ कोर्ट जी, प्रोसिक्यूशन में चल रहा है मामला, क्या मतलब है इनका, पता है नहीं इनको कुछ भी कानून में दाव पे, तो गो फाइल इट यार, गो फाइल कंटेंट, गो फाइल, फाइल करने की जरूरत नहीं है सर, कोर्ट में मामला चल रहा है तहसीन होने वाला, आपकी हो चुकी है, आपकी खिंचाई हो चुकी है सर्वोच्च न्यायालय से आपके खिलाफ, ठीक है अपनी बात, आप तमाम लोगों के पास मैं वापस लौट रहा हूँ सर। उससे पहले कुछ और चीजें दर्शकों को बता देते हैं कि एक तरफ जहां इस मैच को लेकर के सियासत हो रही है, तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हार के बाद टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। उसकी वजह क्या है, असदुद्दीन ओवैसी ने उनका बचाव किया है, आपको सुना था कि ओवैसी का कहना क्या है, पहले वो सुन लीजिए उसके बाद चर्चा पर वापस लौट रहे हैं। आप भी कल क्रिकेट मैच देखिए, अब रहा साल जहाँ तक के मोहम्मद शमी को निशाना बनाया जा रहा है कल के क्रिकेट मैच की हार का, ये तो ये बताता है कि फ़िरका परस्ती, रेडिकलाइजेशन और हेट्रेड मुस्लिम्स के ताल्लुक से कितना बढ़ चुका है।
एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी में एक मुसलमान होता है, तो आप उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। भाई खेल में तो जीत हार होती है ना, कोई टीम जीतती है कोई हारती है, तो इसमें एक मोहम्मद शमी को टारगेट करना ये बताता है कि हेट्रेड, रेडिकलाइजेशन और कम्युनलाइजेशन कितना बढ़ चुका है और कौन फैला रहा है इसको। ये तो जवाब देना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार कंडेम करेंगी उन लोगों को जो आज एक 11 में से एक प्लेयर को जो सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल किया जा रहा है, उसको अनाप शनाप उसके बारे में बकवास बका जा रहा है, ये शर्म की बात है, अफसोस की बात है। वो तो इंडिया की टीम के लिए खेल रहा था ना। बख्शी साहब, मैं जानना चाहूंगा आपसे इस मामले को लेकर कि जब टीम के खिलाड़ी एक साथ देश के लिए खेलते हैं तो उसमें धर्म के नाम पर बंटवारा क्यों किया जाता है। मौवा मोइत्रा ऐसे ही ट्वीट कर रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी वही बात कर रहे हैं। देखिए, खेल में राजनीति लाना, धर्म लाना रेप्रिहेंसिबल है, बट आई कम बैक टू माई ओरिजिनल स्टैंड, आई रिटरेट, ये मैच खेलना बहुत इनसेंसिटिव एक एटीट्यूड यहाँ पे दिखाया गया है जी। कि भारत के आम लोग मर रहे हैं, सो वॉट, हमने पैसा लगाया साहब, हमको पैसे की वसूली करनी, बाहर में जाए जो रो रहे हैं रोते रहे, वो अब लेबररी तो है क्या है। नहीं, कोई उस बात का जवाब तो सर बीसीसीआई को जवाब दे, उस बात के लिए होना चाहिए, बीसीसीआई से जवाब पूछा जाना चाहिए, बीसीसीआई उस बात का जवाब दे कि ऐसी परिस्थिति में मैच क्यों खेला गया। लेकिन मैच खेलने के बाद जब हम लोग ये बाइफर्केशन देख रहे हैं, ये डिवाइड देख रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? खिलाड़ी वहां खेल रहा है, उसका धर्म क्यों नापा जा रहा है इस चीज में? बिल्कुल गलत है, किसी कोने से इस तरह की बेहूदगी का जो है कोई सपोर्ट नहीं कर सकता जी। कम्युनलिज्म बिल्कुल गलत है, चाहे किसी भी तरफ से हो, ठीक है अजय और जी। लेकिन ये जो मनुष्यत का मौका आपने दिया है, ये स्टूपिड मैच खेलकर, इमेसलिक मैच खेलकर जी, इनसेंसिटिव मैच, और मेरे ख्याल आप उसी का खमियाजा भुगत रही है ये टीम। ठीक है अजय अरोड़ा, बताइए जरा, वापस सवाल आपके पास वही दोहराता हूं जिसके लिए आपने कहा कि भाई इंडिपेंडेंट इंस्टेंट का हो सकता है, लेकिन अगर कांग्रेस के लोग, उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर, उनके नेता अगर बयान दें तो एक पैनलिस्ट टीवी पर आकर ये नहीं कह सकता कि भाई उनका इंडिपेंडेंट स्टैंड ये है। आनंद जी, मैंने पहले भी कहा कि इस पे नूपुर जी ने बात रखी कि राहुल गांधी की बात, जब मैंने की प्रियंका वाड्रा की बात की, सोनिया गांधी की बात की, तो नूपुर जी ने कटाक्ष किया। और एक मिनट आनंद जी, सबसे पहले शहजाद पूनावाला साहब ने बात की कि इंडिया की हार पे कांग्रेस से बम छोड़े, इन शब्दों को वापस लें शहजाद भाई, हम देश के साथ हैं, हम देश के गद्दार नहीं है। दूसरी बात, जहां से नूपुर जी ने और शहजाद भाई ने बात रखी पाकिस्तान प्रेम की, हिंदुस्तान के, मैं पूछना चाहता हूं नूपुर जी से, शहजाद पूनावाला से नहीं, अजय जी अपने सवाल आप पूछेगा, लेकिन जो पहले आपसे सवाल किया गया सर, पहले उसका जवाब दे दीजिए ना। मेरा मैं उस पर आता हूं नंद जी, पाकिस्तान प्रेम में नवाज शरीफ के घर बिना प्रोटोकॉल के प्रधानमंत्री, पुरानी बात उठाई जाएंगे तो 47 के बाद से किसने क्या क्या किया सारी बातें आ जाएंगी सर, कोई मतलब नहीं, इतिहास की कक्षा नहीं है ना सर, प्रधानमंत्री जी इतिहास की कक्षा नहीं है ना अजय जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ सर कि राधिका खेरा हो गई, रागिनी नायक बसोया हो गई, इन तमाम लोगों के ट्वीट का, इनके पोस्ट का क्या मतलब है? देता हूँ, मैंने पहले भी कहा किसने क्या बोला, क्या ट्वीट किया, मैं उस पर जाना चाहता नहीं, ना मेरी जाना पड़ेगा ना सर, चर्चा का विषय ये है।